नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन सरकारें ऐसे नागरिकों से परेशान हैं जिन्होंने कोरोना महामारी को मजाक बनाकर रखा हुआ है। उन्हें इस बीमारी और संक्रमण के खतरे का एहसास ही नहीं है, ऐसा लगता है। रविवार के जनता कर्फ्यू के बाद जहां अधिकांश लोगों ने अपने घरों की बालकनियों से शंखनाद, घंटानाद और तालियों से कोरोना सेवा कर्मियों का अभिवादन किया, वहीं कुछ लोग सड़कों पर निकल आए जैसे क्रिकेट का विश्व कप जीत लिया हो। कुछ लोगों के इन्हीं तेवरों के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काफ़ी नाराज हैं और खपा हैं। उसके परिणाम स्वरूप सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को संदेश दिया कि वे लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मोदी जी ने लिखा कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे महामारी विकराल रूप ले सकती है। उन्होंने लिखा है, कृपया आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि वो नियमों और कानूनों का सख्ती से अब पालन कराएं। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कानून और व्यवस्था को कड़ाई से लागू करें, जिसके फलस्वरूप पंजाब में देखते देखते ही कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को जनता कर्फ्यू का पूरा असर दिखाई दिया। ऐसा मौका अभूतपूर्व था, सन्नाटा भी था, अभूतपूर्व दिखा। क्या शहर, क्या कस्बे और क्या गांव, क्या अमीर और क्या गरीब, हर जगह हर कोई अपने घर के अंदर रहकर कोरोना से जंग लड़ने को तैयार दिखा। इक्का दुक्का गलियों को छोड़ दें तो प्रमुख सड़कों के साथ ही ज़्यादातर गलियां सुनसान नजर आई। कोरोना के खिलाफ पहली सामूहिक जंग के बाद अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और किसी न किसी रूप में हमें बचना होगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाए गए जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे पूरे देश में लोगों ने ताली और थाली बजाकर उन लोगों को धन्यवाद दिया जो कोरोना वायरस से अग्रिम मोर्चे पर जूझ रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से डॉक्टर, नर्स, नगर निगम के कर्मचारी व पुलिस को धन्यवाद देने के लिए ऐसा आयोजन किया था, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आईं जिनको देखकर चौंकना और आश्चर्य करना स्वाभाविक है। दरअसल इंदौर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जनता कर्फ्यू के बाद हमने कोई जंग जीत ली हो। ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। दरअसल वहाँ कुछ लोगों ने इस आयोजन का शक्ल दे दिया, जबकि इस बीमारी को रोकने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में नज़ारा तो कुछ इससे भी और अधिक भयावह दिखाई दिया, जहाँ DM वैभव श्रीवास्तव YSP ने जनता के साथ मिलकर जुलूस की शक्ल में शंख और घंटा बजाते हुए सड़कों पर निकल पड़े। सवाल इस बात का है, जब भीड़ इकट्ठा हुई तो अधिकारी को लोगों को समझाने की बजाय उस भीड़ की अगुवाई करने की क्या ज़रूरत थी। जब इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा खतरा सामुदायिक संक्रमण है तो भीड़ कहीं भी ना इकट्ठा होने पाए, इस पर ध्यान
देना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आला प्रशासनिक अधिकारी भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। अब जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं तो ये अधिकारी अपनी सफाई देते बन रहे हैं। जनता कर्फ्यू की रविवार को आई तस्वीरों से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की जो उम्मीदें बंधी थी वह कुछ लापरवाह लोगों के कारण टूटती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली, नोएडा, बिहार और बाकी शहरों में लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तमाम अपीलों और सुझावों को नज़रअंदाज करते हुए लोग लॉकडाउन के बावजूद सोमवार को बेवजह घरों से निकल पड़े। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं उन्हें ईरान, इटली, जर्मनी आदि देशों से सबक लेनी चाहिए। भारत की जनसंख्या उन देशों से बहुत अधिक है। दुनिया भर में इस महामारी से हो रही मौतें बेहद चिंता का विषय है। अगर हम अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। और अब सरकार और सरकारी तंत्र को भी ज़रूरत है कि हम अब पूरी तरह से सख्ती पर उतर आए हैं, तभी हम संकट से निपट सकते हैं। अभी तक का सफ़र करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते एक बार फिर वही विनती, अनुरोध, गुजारिश, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करिए। धन्यवाद। जय हिंद।